हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज सैटरडे है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हर कोई अपने घर पे दिवाली के लिए प्रिपरेशन करने में लगा हुआ है। फ्लावर्स लगाना, अगर कुछ लोगों से लाइट्स नहीं लगी हैं वो लगाना। तो उसी तरीके से आज मैंने भी दिवाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। सुबह मैं और मानसी हमने क्विक एक मीटिंग करी। क्विकली मानसी ने एक लिस्ट बना दिया कि क्या क्या चीजें चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बिल्कुल मार्केट में रन अराउंड कर रहा हूं और एक एक चीज के उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्विकली शेव करवा लिया, क्योंकि दिवाली में जो मेरी कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। और उसके बाद मैं गया मिठाई शॉप में। मानसी ने मिठाई बोला हुआ था, जो हमारे घर पे काम करते हैं, जो टावर गार्ड्स वगैरह हैं, उनको मिठाई देने के लिए। तो वो डब्बे मैंने फटाफट पैक कराए और मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भाई पूछो मत। बट द गुड थिंग वॉज काफी लोगों ने मास्क जो है वो पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ही कोई आता पता नहीं था, बट आई होप दैट नथिंग बैड हैपेंस। आई एटलीस्ट वॉज वेयरिंग माई मास्क। और अब मैं आया हुआ हूँ फूल लेने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये फूल की डिलीवरी हो रही है और मैंने ये 5 गेंदा फूल की लड़ियां ले ली हैं, लंबी लंबी, जो घर पे जाके मैं लगा दूंगा। सो फ्लावर आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिवाली, तो मैंने ले लिया है। बट मुझे लगता है कि और ज्यादा जरूरत होगी, तो इनको लगाएंगे, बाकी सारा डेकोरेशन वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे। तो इसके अलावा मेरे लिस्ट में है वेजिटेबल्स। मुझे लगता नहीं कि मुझे पार्किंग मिलेगी और वेजिटेबल्स वगैरह मैं ले पाऊंगा। उसके बाद मुझे एटीएम जाना है और एटीएम से भी मेज वगैरह की सैलरी लानी है। तो देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है। संतरे कैसे दिए भैया? और अनार कितने करना? तो सब्जी शॉपिंग तो किसी तरह से रैप अप हो गया और सारी चीजें जो हैं वो मिल भी गई और मैंने उठा भी ली। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैश कहीं नहीं मिला। मैंने 2 एटीएम्स चेक करे, इनफैक्ट 3 एटीएम्स चेक करे। एक जगह पे एक एटीएम था, एक जगह पे 2 एटीएम था। सारे एटीएम टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। बेसिकली कैश जो है वो किसी भी एटीएम में नहीं है। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई फेस्टिव टाइम है, सबने कैश वैश निकाल लिया होगा। बट सैलरी देना भी जरूरी है, तो मुझे दोबारा से शायद आना पड़ेगा या किसी और एटीएम जाना पड़ेगा। बट एनीवेज, जितना सामान है वो तो कम से कम घर पे रखते हैं और थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आखिरी सामान कैश चाहिए था वो भी मिल गया सोसाइटी के ही एटीएम में, जहाँ पे कभी कैश नहीं होता। आज कैश मिल गया, तो मैंने फटाफट निकाल लिया। सो वी आर ऑल सेट और मुझे बहुत जल्दी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लावर से वो बिल्कुल सूख चुके हैं, जिनका रिप्लेसमेंट मैं लेके आ गया हूँ मानो। और रेस्ट वगैरह भी हमने ले लिया है उसके बाद। और कबीर ने एज यूजुअल कर दिया अपना काम। कब आप खुद क्लीन करोगे? ये लो, क्लीन करो इसे अच्छे से। यहाँ से क्लीन करो, पहले ऊपर से क्लीन करो, यहाँ से जाओ नीचे से करो। कितना गिरा दिया है इसने, देखो। पिया के हाय राम तो गिरा दिया, उस पे डालो, उसको सोक करने दो, उठा के पलट के डाल दो। हाँ, सोक हो जाएगा। वेरी गुड। मत करो कभी, जो गंदा करोगे आपको खुद साफ करना पड़ेगा। अभी मुझे पता है कितना साफ करना है। कभी पहले फैन साफ करने हैं, फिर सारे फ्लावर्स लगाने हैं, फिर घर साफ करना है। पता आपको कभी ये खाना अच्छा लगता है आपको, सिंघाड़ा? ये पता है डैडी का कितना फेवरेट है। डालो कभी फटाफट, मम्मा ने बोला ना अभी आ जाएगी वो। So first we are going to show you Kabir's outfit. So this is a nice outfit that we've got from Fab India. Yes. Stand like this. Hold it on yourself like. And there's gonna be a yellow jacket. पहन के पता चलेगा। हाँ, वो तो कल दिवाली व्लॉग देखना पड़ेगा देखने के लिए। So basically this is what Kabir is wearing. And what is your daddy wearing? Saurav actually wore this on our mehndi. And he's going to repeat it because he says, I don't want to wear it. But you have to wear it. You have to match with Kabir. I think it is too fancy for normal Diwali. No, it's nice for Diwali. Daddy. What? Wear it. Okay, I'll wear it. Kabir, if you want daddy to do something, what is our trick? What song do we sing? Oh, daddy, my dearest daddy, please can you wear a kurta? Oh, pajama. I will definitely wear a kurta. Rabada. Yeah. Not a kurta, this kurta. Kupa. Okay, what else do you have to show us? So for me, though, we don't have anything because nothing is fitting. Right. So let's see. The only thing that you don't have is space to keep the new stuff. Yeah, but I did a little bit of shopping from Uniqlo. So I wanted to show that it's kind of a cardigan. Because ab kya hota hai, jab t-shirt pehno and you're wearing a legging, to fir yahan pe thoda space se dikhne lagta hai.
लग रहा था, दिस इज मोर कम्फर्टेबल. ओके, व्हाट एल्स? सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिक्लो, दिस इज हीट टेक, सो इट्स प्रीटी वार्म एंड आई लव द कलर. A black jogger, very warm, okay. Like proper mota kapra. This is that velvety material which I love for Kabir also. So look at the color, the grey color is pretty nice and it is super duper soft. So kuch it's not design hota to aur acha lagta. Haan, but I like this, I like plain. No? Okay. So I just got all of this for myself. Itna sa? Yeah. Thanks, Adizhi. Go. Happy Diwali. अच्छे से पकड़ो, वेरी नाइस, गुड बॉय. और ये वर्षा दीदी के लिए हैप्पी दिवाली. बोलो तो सही. First show local, local, then we'll go. Tabhi सो गाइज, कबीर को इतना ज्यादा मजा आया नीचे जाके थोड़े बहुत क्रैकर्स करने में कि वो स्पेशली सौरभ को लेके आया है कि शॉप चलो और मेरे लिए और लेके आओ. सो बेसिकली आपको पता है कि पिछले साल सौरभ को दिवाली के टाइम पे कोविड हुआ था, तो हमने दिवाली बिल्कुल भी नहीं मनाई थी. तो थोड़े बहुत हमारे पास जो लास्ट ईयर के ही क्रैकर्स वगैरह पड़े हुए थे जो पहले से ही ले लिए थे, तो सौरभ ने कहा चलो वही जलवा देते हैं उससे. बट हमें नहीं पता था कि वो कुछ जलवाने के चक्कर में उसे इतना एक्साइटमेंट हो जाएगा कि उसको था कि मुझे और ला के दो. बिकॉज ही लव, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? Bash, bash, bash. The sound. Yeah. So he loved the sound of the crackers and अब हम आए हैं तो देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं, अदरवाइज हमारे पास कल के लिए कुछ भी नहीं है. सो नोएडा में बहुत ज्यादा तो क्रैकर्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैन एंड एवरी थिंग, बट जो ये बच्चों की छोटी मोटी चीजें जो होती हैं बस वही वाला मिल रहा है और वही हम कबीर को करा रहे हैं. सो या कुछ कल के लिए रखेंगे और थोड़ा बहुत आज करा ही देंगे. हैप्पी तुम लोग आज लेबर में भिजवा के छोड़ोगे दोनों. छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो. सेकेंड पैकेट? यस. आई थॉट द फर्स्ट पैकेट. नो, दिस इज द फर्स्ट पैकेट. तो हम गए तो नीचे ये सोच के थे कि कबीर को थोड़ी देर मस्ती कराएंगे पार्क में और थोड़े बहुत वो पटाखे वगैरह देख लेगा अगर कोई जलाएगा तो. लेकिन वो बिल्कुल मेस्मराइज हो गया. मेरे ख्याल से उसके डीएनए में कुछ है क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे पापा को भी. तो वो भी पटाखों देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने जिद करी और हमें उसे थोड़ा बहुत लेके देना पड़ा. बट ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन भी है और दिवाली पटाखों के बिना थोड़ी बहुत अधूरी ही लगती है. तो उसने वो किया और अब हम घर आ गए हैं और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरा दिन इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा और सारा डेकोरेशन वगैरह हो जाएगा, घर भी साफ हो जाएगा, जो एक्चुअली नहीं हुआ है क्योंकि पूरी की पूरी शाम जो है वो कबीर के आसपास घूमते घूमते ही चली गई है. और इस टाइम पे डिनर टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, तो कबीर खाएगा, मैं खाऊंगा. मैच भी थोड़ा सा कैचअप करना है, वैसे तो कुछ रह नहीं गया वर्ल्ड कप में. बट आई होल हार्टेडली सपोर्ट माई टीम और जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो भी क्रिटिसिज्म चल रहा है, हम बहुत जल्दी इस चीज को भूलने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. दिवाली का टाइम है, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं और सारी चीजों को भुला देते हैं. सो डैडी, हाँ, यू विल नॉट गिव अप? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि यार आज ही कर देते हैं क्योंकि फ्लावर्स मेरे सामने पड़े हुए थे और फ्लावर्स वैसे भी खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो पड़े पड़े वैसे ही सड़ रहे हैं. तो मेरे को लगा कि यार थोड़ी एनर्जी निकाल के लगा देते हैं और लगा के बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. सौरभ को दिवाली पे डेकोरेशन करना इतना अच्छा लगता है कि जब तक ना हो जाए ना, ही जस्ट के नॉट सेट. और ऊपर से कबीर ने अब एक नई रिक्वेस्ट कर दी है कि ब्लू लाइटें भी लगाओ. हाँ. तो कल सौरभ के पास ये भी काम है. बिल्कुल, लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि हमारे पास दिए खत्म हो गए, तो हमने कबीर का स्कूल का बनाया हुआ दिया जो है वो यूज किया. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हर चीज काम आ रही है. हाँ, और एक्चुअली हमारी 2 साल की कंबाइंड दिवाली है क्योंकि लोगों को शायद याद नहीं होगा, लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे I was recovering from COVID. Yeah. So that was a very tough time for everybody. And इतना वो दिवाली इतनी खराब थी कि मुझे याद है हमने घर में स्वीट भी नहीं मंगाई थी. हमने चीनी से मुंह मीठा कर लिया, मतलब थोड़ा एक वो जो पूजा होती है वो कर लिया था, स्वीट नहीं मंगाई. और अभी अभी मैंने कबीर और सौरभ ने 3-3 मोदी चूर के लड्डू खाए हैं. सो या मतलब ये दिवाली डेफिनेटली स्पेशल है, लग रहा है. और ये दिया कबीर ने बनाया था खुद अपने हाथों से पॉटरी में, और आज वही दिया हम जला रहे हैं छोटी दिवाली पे. कबीर हैप्पी?
यस मामा हैप्पी दिवाली।